दोस्तों, हॉरर लव हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आज हम देखने जा रहे हैं 2013 में आई एक मूवी जिसका नाम है टेक्सास चेनसॉ 3D। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए मेरे साथ। ये मूवी अपनी ओरिजिनल मूवी के सीन से शुरू होती है जहाँ पर चेनसॉ किलर एक लेडी की बॉडी को हुक में टांग देता है, लेकिन फिर भी वो लड़की जैसे तैसे खुद को उससे बचा लेती है। ये घर सॉयर फैमिली का था जहाँ पर पुलिस आती है जेड यानी कि लेदर फेस को लेने के लिए। और वहाँ पर आकर एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि उनके पास एक लेडी आई थी जिसने बताया कि एक लेदर फेस आदमी ने चेनसॉ से उसके सभी फ्रेंड्स को मार दिया और वो उसे भी मारने वाला था। लेकिन सॉयर फैमिली का कोई भी आदमी जेड के बारे में नहीं बताता। और फिर वहाँ पर टाउन के कुछ लोग और मेयर आकर सॉयर फैमिली के पूरे घर को ही जला देते हैं। टाउन के लोगों और सॉयर फैमिली की मुठभेड़ में लगभग सभी लोग मार जाते हैं। और हम लोरेटा सॉयर नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा था। लोरेटा बाहर से चल रही गोलियों के कारण नहीं बच पाती और उसके बच्चे को भी एक गोली छूकर निकलती है। फिर रात के समय टाउन के लोग देखने आते हैं कि कोई जिंदा बच्चा तो नहीं है, और वो पाते हैं कि लोरेटा अपने बच्चे के साथ अभी भी जिंदा है। एक आदमी लोरेटा से उसके बच्चे को लेकर उसे मार डालता है और उस बच्चे को अपनी पत्नी को दे देता है। वो उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है और उसका नाम हेदर रखता है। फिर कुछ सालों के बाद में हम हेदर को देखते हैं जो कि बड़ी हो गई थी। वो एक ग्रोसरी स्टोर में मीट सेक्शन में काम करती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड निकी आती है। और दोनों अपने ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो न्यू ऑर्लियंस जाने वाले थे। हेदर फिर अपने अपार्टमेंट जाती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड रायन पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रहा था। और हम ये देखते हैं कि हेदर को एक बड़ा अजीब शौक था। वो अलग अलग तरह की हड्डियों को कलेक्ट करके काले रंग से कुछ आर्टिस्टिक बनाती है। हेदर अपनी ट्रिप पर जाने से पहले स्ट्रेस में थी और फिर हम देखते हैं कि रायन उसके स्ट्रेस को दूर करता है। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है और रायन देखता है कि हेदर के लिए एक पोस्ट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि हेदर के ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है और उन्होंने अपना घर हेदर के नाम कर दिया है। लेकिन हेदर कंफ्यूज थी क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स तो सालों पहले ही मर चुके थे। जब हेदर अपने माँ बाप से जाकर इस बारे में बात करती है तो उसे पता लगता है कि उसे बचपन में एडॉप्ट किया गया था। और हेदर के सौतेले माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि हेदर वापस से टेक्सास जाए, लेकिन हेदर नहीं मानती। हेदर वापस अपने अपार्टमेंट में आकर रायन से टेक्सास जाने को कहती है ताकि उसे अपनी असली फैमिली के बारे में पता चल सके। और फिर तभी वहाँ पर निकी और उसका बॉयफ्रेंड केनी वहाँ पर आते हैं और वो भी हेदर के साथ में चलने को कहते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे सभी जल्दी कार से टेक्सास के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर आकर रुकते हैं। लेकिन बारिश के कारण वो गलती से एक आदमी को ठोक देते हैं। इस आदमी का नाम डेरी था और वो सभी को कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि वो पुलिस को ये सब ना बताए तो उन्हें उसे टेक्सास तक छोड़ना होगा। और फिर सभी ऐसा करने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद में सभी वैन से हेदर के घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनका वेलकम करने के लिए हेदर की ग्रैंड मदर का लॉयर खड़ा हुआ था। वो लॉयर हेदर को पूरे घर की चाबियां दे देता है और उससे एक लेटर देता है जो कि उसके ग्रैंड मदर ने उसके लिए लिखा हुआ था। और लॉयर उसे तुरंत उस लेटर को पढ़ने को कहता है, जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। हेदर उस लेटर को नहीं पढ़ती और मेन गेट को खोलकर अंदर चली जाती है। हेदर की ग्रैंड मदर का यह घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और पूरे घर में कई सारी कीमती चीज़ें थीं। वो सभी पूरे घर में घूमते हैं और खाने का सामान लेने के लिए पास के लोकल स्टोर चले जाते हैं। लेकिन डेरल वहीं पर रुककर सबके बैग्स जमाने को कहता है और वो उन्हें कुछ पैसे भी देता है कुछ खाने का सामान उसके लिए भी लाने के लिए। फिर जैसे ही सभी लोग वहाँ से जाते हैं, डेरल सभी एंटिक चीज़ों को अपने बैग में भरने लगता है क्योंकि वो असलियत में एक चोर था और एक्सीडेंट तो उसका बस एक बहाना था। वो पूरे घर की छानबीन हेदर की चाबियों से करता है जिससे कि वो एक दीवार में बने एक दरवाजे तक पहुंच जाता है जिसके पीछे एक रूम था। और फिर उस रूम के अंदर जाने पर डेरल को अजीब अजीब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है, जैसे कि सड़ा हुआ मांस और हड्डियाँ वगैरह वगैरह।
फिर उस रूम में उसे एक और बड़ा सा मेटल का दरवाज़ा मिलता है। डेरिल उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा उससे नहीं खुलता। डेरिल दरवाजे को खोल ही रहा था कि तभी पीछे से लेदरफेस आकर उसके सिर पर हैमर से अटैक करके उसे मार डालता है। इधर हम देखते हैं कि हेदर लोकल मार्केट में सामान ले रही थी और वहाँ पर उसे उस टाउन का पुलिस ऑफिसर कार्ल मिलता है जो कि हेदर से अट्रैक्टेड था। और फिर वहाँ का मेयर आता है और ये वही मेयर था जिसने सॉयर का घर जलाने के ऑर्डर दिए हुए थे। वो हेदर से पूछता है कि क्या वो सॉयर की रिलेटिव है, जिस पर हेदर झूठ बोलकर वहाँ से अपने दोस्तों के साथ में वैन में बैठकर चली जाती है। जब सभी घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर उथल पुथल पड़ा हुआ है और उस घर में चोरी हुई है और सबको समझ में आ जाता है कि डेरिल एक चोर था, लेकिन घर में से कोई भी कीमती चीज़ गायब नहीं हुई थी। फिर शाम को केनी कुछ पका रहा था। रायन पूल टेबल पर था और निक्की बाहर ड्रग्स ले रही थी और हेदर पूरे घर में घूमकर वहां पर चेक कर रही थी। केनी खाना बनाते बनाते उस दरवाजे को देख लेता है जहां से डेरिल गायब हुआ था और वो उस दरवाजे से अंदर चला जाता है जहां पर वो डेरिल का खून से सना हुआ बैग देखता है और यहां पर इस बार वो मेटल का गेट खुला हुआ था। अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और सडनली उस अंधेरे से लेदरफेस बाहर आता है और लेदरफेस के इस भयानक चेहरे को देखकर केली बाहर की ओर भागता है, लेकिन लेदरफेस उसे बाहर जाने से पहले ही अपने एक नुकीले हुक में अटकाकर उसे अंदर खींचता है। दूसरी ओर निकी रायन को पीछे घोड़े के अस्तबल में बुलाती है और जब रायन अस्तबल में आता है तो देखता है कि निकी ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं और फिर दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज आते हैं और दोनों में इंटरकोर्स भी होता है। घर में हेदर एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो नीचे की ओर भागती है लेकिन नीचे आने पर वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वहाँ पर बस लेदर फेस है और वो किसी के हाथ की उंगलियों को काट रहा था। हेदर लेदर फेस को देखकर डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन लेदर फेस उसे ज़मीन पर पटक देता है और हेदर बेहोश हो जाती है। जब हेदर की नींद खुलती है तो वो खुद को लेदर फेस के खुफिया रूम में पाती है जहाँ पर लेदर फेस केनी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहा था और फिर वो केनी की बॉडी को हुक से टांग देता है और केनी अभी भी जिंदा था। वो लेदरफेस उसकी बॉडी को चेनसो से बीच में से दो पार्ट में काट डालता है। हेदर ये देखते हैं कि लेदरफेस केनी की बॉडी को काटने में लगा हुआ है और वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो लेदरफेस उसे भागते हुए नोटिस कर लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। हेदर बाहर निकलते ही सीढ़ियों पर गिर जाती है और फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर पास के कब्रिस्तान में पहुँचती है जहाँ पर उसकी यानी कि सॉयर फैमिली के लोगों की कब्रें थी। वहाँ पर एक खुला हुआ कॉफिन था जिसमें हेदर छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस हेदर की आवाज़ सुन लेता है और वो उस कॉफिन में चेनसो को डालकर हेदर को मारने की कोशिश भी करता है। इधर चेनसो की आवाज़ सुनकर निकी और रायन घबरा कर बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि लेदरफेस चेनसो लिए हुए है। वो उसे आवाज़ लगाते हैं और लेदरफेस हेदर को छोड़कर उनके पीछे आ जाता है और उससे भागकर निकी और रायन फिर से अस्तबल में घुस जाते हैं जहाँ पर रायन को एक फावड़ा मिलता है और निकी को एक शॉटगन। निकी दरवाजे की ओर शॉटगन को लगाकर लेदरफेस को मारने वाली थी, लेकिन लेदरफेस एक वैन को लेकर दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि उस वैन में लेदरफेस नहीं बल्कि हेदर थी और फिर सभी वैन में बैठकर बाहर आते हैं। वो वैन की फुल स्पीड से गेट को तोड़ते हुए बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वो गेट बहुत मजबूत था और वो नहीं टूटता क्योंकि वो गेट एक ऑटोमेटिक गेट था, जिसके बाद में वो गेट धीरे धीरे खुलने लगता है और सभी अब बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे से लेदरफेस आकर कार के टायर को अपनी चेंसों से काट देता है, जिससे कि वो वैन कुछ दूर चलकर पलट जाती है। हेदर देखती है कि रायन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो लेदरफेस भी वहाँ पर पहुँच गया था। उसमें इतनी ज़्यादा ताकत थी कि वो अपने हाथों से ही पूरी वैन को पलट कर रख देता है। हेदर बाहर आने में कामयाब होती है, लेकिन लेदरफेस निकी के पेट में चेंसों से कट मार देता है। वो उसे पूरी तरह से मारने वाला था कि तभी हेदर उसका ध्यान भटका कर वहाँ से भागती है और उसके पीछे पीछे लेदरफेस भी आता है। हेदर भागते हुए जंगल की दूसरी ओर चल रहे एक लोकल मेले में पहुँच जाती है और वहाँ पहुंचकर वो भीड़ में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस वहाँ भी नहीं रुकता। वो खुलेआम अपनी चेंसों को लिए हेदर के पीछे भाग रहा था। हेदर बचने के लिए फेरी व्हील में चढ़ जाती है और लेदरफेस उस फेरी व्हील के वायर को काटकर दूसरी ओर हेदर का आने का इंतजार करता है। जैसे ही हेदर लेदरफेस के नज़दीक आने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर ऑफिसर कार्ल पहुँच जाता है और गन को लेदरफेस के ऊपर पॉइंट करके रुकने के लिए कहता है।
लेदरफेस काल के ऊपर चेनसो फेंक देता है, जिससे कि काल उससे बार बार बचता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि काल हैदर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर हैदर सीनियर ऑफिसर के सामने लेदरफेस के बारे में बताती है। ये वही सीनियर ऑफिसर था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वह जानकर हैरान हो जाता है कि जेड यानी कि लेदरफेस कैसे जिंदा हो सकता है। हैदर पुलिस को बताती है कि उसे कुछ दिन पहले पता चला है कि वो सॉयर फैमिली की है। काल सॉयर फैमिली से जुड़े हुए सारे सबूत ढूंढता है और फिर वहाँ पर मेयर काल और दोनों ऑफिसर को मेले में हुए हंगामे के लिए बुलाता है और अकेले में हैदर उन सबूतों को देख लेती है, जिससे कि उसे पता लगता है कि सॉयर फैमिली के साथ में क्या क्या हुआ था और कैसे टाउन के लोगों ने उसकी पूरी फैमिली और उसकी माँ को जलाकर मार डाला। यहाँ पर एक ऑफिसर हैदर की वैन की जांच के लिए जाता है, जहाँ से उसे खून के निशान मिलते हैं, जिसके पीछे पीछे वो ऑफिसर चला जाता है। वो सीनियर ऑफिसर और मेयर को इसकी जानकारी देता है, जो कि उस ऑफिसर को घर में जाकर वीडियो कॉल करने को कहते हैं। जिसके बाद में ये ऑफिसर खून के निशान का पीछा करते करते लेदरफेस के उस रूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो केनी, डेरी और भी कई सारे लोगों की लाशों और उनकी बॉडी के पार्ट्स को यहां वहां पर देखता है, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहां से जल्दी बाहर आता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही लेदरफेस उसे एक कुल्हाड़ी से मार डालता है और उसकी बॉडी के कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करके काट डालता है। मेयर को ये लगता है कि शायद हैदर को ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि वो भी एक सॉयर है। मेयर हैदर को दिखाए हुए एविडेंस पर मर्डर लिखा हुआ देखता है, जो कि हैदर ने ही लिखा था। फिर हमें देखते हैं कि हैदर पुलिस स्टेशन से निकलकर फ़ोन से अपने ग्रैंडमा के लॉयर को कॉल करती है, जिसने कि उसे मूवी की स्टार्टिंग में चाबियाँ दी थी। वो उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और फिर वो लॉयर उसे मिलने को कहता है। दोनों एक बार में मिलते हैं, जहां पर वो हैदर को उस लेटर के बारे में पूछता है, जिसे कि हैदर ने अभी तक नहीं पढ़ा था। लॉयर हैदर को जेड के बारे में बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन हैदर को जेड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर तभी वहां पर मेयर आता है हैदर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो वहां से चाकू उठाकर निकल जाती है। बाहर आने पर मेयर का आदमी हैदर को कार से ठोक कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन हैदर उसके चेहरे पर चाकू से कट मारकर वहां से भाग निकलने में कामयाब होती है। वो रास्ते में काल से मिलती है और उसे बताती है कि मेयर उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे उस लॉयर को बार से बचाना है। वो दोनों बार के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में लॉयर को देखते हैं, लेकिन काल कार को नहीं रोकता और हैदर को पता लगता है कि काल भी मेयर के साथ ही मिला हुआ है। हैदर को यह भी पता चलता है कि मेयर काल का पिता है। मेयर काल को रेडियो पर कहता है कि हैदर को उस स्लॉटर हाउस में लाया जाए, जिसे कि उसकी फैमिली यूज किया करती थी। और लेदरफेस भी अपनी कार के रेडियो पर मेयर की बातें सुन लेता है और लेदरफेस भी अपनी सबसे बेस्ट चेंसों को लेकर निकल पड़ता है। काल हैदर को स्लॉटर हाउस लाकर बांध देता है और खुद को छुड़ाने के चक्कर में हैदर के शर्ट के बटन भी टूट जाते हैं, लेकिन काल उसे नहीं खोलता और हैदर को ऐसे ही बांध रखता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद में लेदरफेस आता है और हैदर के कंधे पर अपने चेनसो रखता है, लेकिन वो उसे पीछे से नहीं बल्कि सामने से मारना चाहता था। वो अपने चेनसो को हैदर की चेस्ट पर रखता है और वो उसे शुरू करने ही वाला था कि तभी वो हैदर के कंधे पर एक गोली का निशान देखता है। वो उसके मुंह से टेप हटाता है और हैदर उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी। वो उसे बोलती है कि वो एक सॉयर है और वो उसी की ही कजिन है। लेदरफेस हैदर के एक हाथ की रस्सी काट देता है और पीछे से मेयर और उसका आदमी आ पहुंचते हैं और वो दोनों लेदरफेस को बहुत पीटते हैं। हैदर वहां से भाग जाती है और मेयर अपने साथी के साथ मिलकर लेदरफेस को चेन से बांध रहा था और ये चेन एक बड़े से ग्राइंडर से बंधी हुई थी। मेयर अपने आदमी को ग्राइंडर ऑन करने को कहता है, लेकिन उसे चालू करने से पहले ही हैदर मेयर के उस आदमी को मार डालती है और वो लेदरफेस को जाकर उसका फेवरेट हथियार यानी कि चेनसो उसकी ओर फेंकती है, जिससे कि वो अपनी चेन काटता है और फिर वो मेयर के दोनों एड़ियों को चेनसो से काट देता है। वो ग्राइंडर अब चालू हो गया था और लेदरफेस मेयर को ग्राइंडर में डालने वाला था, लेकिन वहां पर वही सीनियर ऑफिसर पहुंच जाता है। वो लेदरफेस पर गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर हैदर उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो लेदरफेस मेयर को ग्राइंडर में डाल देता है, जहां पर हमें देखते हैं कि मेयर की पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ गए हैं। फिर सॉयर हाउस में हम देखते हैं कि लेदरफेस बैठा हुआ है और हैदर उसके पास खड़ी उसके चेहरे के लेदर मास्क को देख रही थी, लेकिन लेदरफेस उसका हाथ झटक कर नीचे अपने रूम में चला जाता है और फाइनली
हैदर उस लेटर को पढ़ती है जो कि उसके ग्रैंडमा के लॉयर ने उसे दिया हुआ था, जिसमें उसकी दादी ने लिखा हुआ था कि जेड एकमात्र उसके फैमिली का जिंदा सदस्य है और हैदर चाहे तो यहाँ पर रह सकती है या नहीं भी रह सकती है, ये उसकी मर्जी थी। फिर हमें देखते हैं कि हैदर नीचे लेदरफेस के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर हैदर उसके लिए खाना लेने जाती है, मतलब कि हैदर यहाँ पर रुकने के लिए राजी हो गई थी। इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि हैदर के सौतेले माँ बाप उसके इस नए घर में आए हैं, लेकिन दरवाज़ा हैदर नहीं बल्कि लेदरफेस खोलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो नीचे लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।